एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैव भंग गुर प्रसाद जप आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हो सी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर सम क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड चैप्टर। योर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज ऑन द बेसिस ऑफ consumption function on the basis of following consumption function C is equal to 120 plus 0.4y answer the following on the basis of ye wala consumption function answer the following। So aapke paas pehla point hai derive savings function second point determine savings at income of 500 crores third point at what level of income savings become zero ये तीन पॉइंट्स है और ये क्वेश्चन है। बिकम जीरो सो अब इसको सबसे पहले ये क्वेश्चन में आपको कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है 120 प्लस 0.4y। तो अब आप याद रखिएगा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, c इज इक्वल टू c बार प्लस by। तो अगर इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास सी बार कितना आ रहा है 120 और बी कितना हो गया 0.4। तो सेविंग्स फंक्शन निकालना है पहले पार्ट में, तो सी बार 120 हो गया, बी 0.4, सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी बाय। तो माइनस 120 प्लस 1 माइनस बी इज व्हाट 0.4 इनटू बाय दैट इज माइनस 120 प्लस 0.6y। क्वेश्चन खत्म हो गया। सो ये हमारा पहला पार्ट खत्म हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट में पूछा गया डिटरमाइन सेविंग्स एट इनकम ऑफ 500 करोड़। सो सेकेंड पार्ट में सेविंग्स फंक्शन वो यूज करेंगे जो आपका आया माइनस 120 प्लस 0.6y। तो आपको इनकम दे रखी है 500 करोड़। सो माइनस 120 प्लस 0.6 y की जगह पे 500 लिख दिया, इनकम 500 दे रखी है। सो मेरे पास कितना आ गया माइनस 120, ये डेसिमल हटा इसके साथ कट गया तो मेरे पास माइनस 120 प्लस 300। सो मेरे पास सेविंग्स आई 180। सो अब हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा गया एट व्हाट लेवल ऑफ इनकम सेविंग्स बिकम जीरो। तो सेविंग्स फंक्शन वही रहेगा माइनस 120 प्लस 0.6y। आपको बोला गया सेविंग्स जीरो हो गई है तो सेविंग्स की जगह जीरो फिल करा। यहाँ पे हमारे पास वाई निकालना, 120 इज इक्वल टू 0.6y। तो वाई कितना आ गया मेरे पास 200, 0.6 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू वाई। तो मेरे पास यहाँ से वाई आया, कटिंग हो गई, ये डेसिमल ऊपर गया तो मेरे पास वाई 200 आ जाएगा। 120 अपॉन 0.6 इज इक्वल टू वाई, डेसिमल हटा 10 आया ऊपर, 6 टू जा 12, 20, तो मेरे पास वाई 200 आ गया यहाँ से। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो दिस क्वेश्चन इज फिनिश्ड। सेकंड न्यूमेरिकल एग्रीगेट डिमांड चैप्टर का अब हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल करा दिया, अब सेकेंड न्यूमेरिकल देखिएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल है द ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम ऑफ इकॉनमी इज गिवन टू बी 10,000 करोड़, इज गिवन टू बी रुपीज 10,000 करोड़ इफ economy saves 20% of additional income
कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन, कैलकुलेट ऑटोनोमस कंजम्पशन. सो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को. सो आपको क्वेश्चन में बोलना है ब्रेक इवन लेवल. ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम होती है जहाँ पे ब्रेक इवन लेवल इज द लेट दैट लेवल ऑफ इनकम जहाँ पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. कंजम्पशन और इनकम जहाँ पे इक्वल होते हैं उसे ब्रेक इवन लेवल ऑफ इनकम कहा जाता है. तो हमारे पास ये दे कितना रखा है, 1000, 10,000, सॉरी 10,000 करोड़ दे रखा है. तो मैंने यहाँ पे 10,000 करोड़ लिख दिया. तो अब मेरे पास कंजम्पशन हो गई है 10,000 करोड़, इनकम भी 10,000 करोड़, ठीक है. और हमारे पास क्वेश्चन में 20% इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम. लाइन देखिए, इकोनॉमी सेव्स 20% ऑफ एडिशनल इनकम. ये एमपीएस हो गया. एमपीएस क्यों हुआ, यहाँ पे वर्ड एडिशनल लिखा है. एडिशनल का मतलब क्या है, चेंज. सो चेंज इन इनकम मीन सेव्स भी दिए. तो चेंज का मतलब क्या होता है, एम और एम पी एस हो गया 20%. 20% मीन्स 20/100, दैट मीन्स 0.2. सो अगर यहाँ पे एडिशनल ना दिया होता ना, मीन्स वर्ड एडिशन मीन्स इतना लिखा होता 20% ऑफ इनकम, तो वो ए पी एस होना था. यहाँ पे वर्ड एम पी ए क्या लिख दिया हमारे पास, एडिशनल मीन्स चेंज, डेल्टा मीन्स ये हमारे पास एम पी एस हो गया. तो एम पी एस 0.2, तो फिर एम पी सी क्या होगा, मीन्स एम पी सी प्लस एम पी एस इज इक्वल टू 1. तो 0.2 में क्या प्लस करें कि 1 आ जाए, 0.8. तो अब हमारे पास सी ए हो गया. सी का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई इज इक्वल टू 10,000. ऑटोनोमस कंजम्पशन सी बार निकालनी है. ऑटोनोमस कंजम्पशन पता ही है कि बंदे की इनकम जीरो है तो ओवरली कंजम्पशन में उतना भी बंदा कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, ओवरली कंजम्पशन में ऑटोनोमस कंजम्पशन कहते हैं. सो सी बार कटना है, बी एम पी सी में बी क्या जाना है, सो 0.8 इंटू वाई. वाई इनकम कितनी है देखो, 10,000 इनकम थे, कंजम्पशन दोनों 10,000 ने ना, सो इज इक्वल टू वॉट, 10,000. सो डेसिमल हटे आप इतने आ गया 8,000. सी बार प्लस 8,000 इज इक्वल टू 10,000 आया मेरे को. सी बार प्लस 8,000 इज इक्वल टू 10,000. सो प्लस 8,000 होते जाके माइनस 8,000 हो गए. 10,000 माइनस 8,000 इज इक्वल टू वॉट, 2,000. ये सी बार आ गया. तुहानू याद होना चाहिए सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. सी बार की होंदा ऑटोनोमस कंजम्पशन, मीन्स बंदे की इनकम मीन्स कुछ भी ना हो उन्दे ते, मीन्स बंदा गुरुद्वारे और रोटी खा लेगा, उन्होंने ऑटोनोमस कंजम्पशन कहेंगे. मीन्स बंदे की इनकम ना भी होए ना, जीरो भी होए, ता भी वो पिछली सेविंग्स तो तोड़ तोड़ के रोटी खा लूंगा, वो ऑटोनोमस कंजम्पशन होंगी. सो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. बी इज एम पी सी, तो लिखे है 20% ऑफ एडिशनल. एडिशनल मीन्स चेंज. सेव्स लिखा इसलिए एम पी एस हो गया. जिते कंज्यूम लिखा होंगे एम पी सी होंगे. एंड जिते एडिशनल ना लिखा होंगे तो ए पी एस होंगे, ठीक है. जिते इदा लिखा होंगे सेव्स 20% ऑफ इनकम तो ए पी एस होंगे. तो असी एम पी एस तो एम पी सी कढ़िया एंड ये सब करके साढ़े को सी बार आ गया. सी बार ऑटोनोमस कंजम्पशन होंगे.